Hello friends, today we are discuss about CMA salary hike after DA increased from 38% to 42%, obviously for central government employees. पहले सैलरी में क्या क्या दिया जाता है वो हम लोग जान लेते हैं. जनरली बेसिक जॉब CMA का स्टार्ट होता है वो 35,400 से स्टार्ट होता है, लेकिन एक साल का उनका ट्रेनिंग रहता है. एक साल ट्रेनिंग के बाद उसका सैलरी हो जाता है बेसिक 36,500. अभी डीए बढ़ के हो गया है 42%, तो फिर उसका डीए हो रहा है 15,330. एचआरए डिफरेंट सिटी के लिए डिफरेंट तरह से दिया जाता है. जैसे एक्स कैटेगरी सिटी के लिए दिया जाता है 27%, अभी वाई कैटेगरी के लिए 18% और जेड कैटेगरी के लिए 9%. मैं वाई कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए 18% 6,570. टीए दिया जाता है वाई कैटेगरी के लिए 2,484. तो फिर उसका ग्रॉस सैलरी हो गया कितना, 60,884. ये एक्चुअली स्टार्टिंग सैलरी है. उसके बाद जब इंक्रीमेंट मिलेगा तब हर साल बेसिक पे में 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है. आप देखेंगे इसमें डिडक्शन क्या क्या होता है. डिडक्शन होता है इसमें एक रेलवे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस 30 rupees डिडक्शन होता है. NPS में डिडक्शन होता है कितना, बेसिक और DA मिला के जितना होता है उसका 10%. तो फिर होता है इसका बेसिक और DA मिला के अभी जितना हो रहा है उसमें NPS कटेगा 5,183 rupees. और हर स्टेट का एक एक प्रोफेशनल टैक्स रहता है. जैसे मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो फिर इसका प्रोफेशनल टैक्स होता है 200 rupees. तो फिर टोटल डिडक्शन हो रहा है, अभी टोटल डिडक्शन 5,413 rupees. तो नीट पे अभी कितना मिलता है, ₹60,884 माइनस जो डिडक्शन हुआ है 5,413 इतना. तो फिर हो जा है 55,471. ये ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है उसके लिए है. जिसका एक दो इंक्रीमेंट मिल गया है उसका सैलरी और भी बढ़ेगा. तो इंक्रीज इस बार डीए मिलने के बाद इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 4%. तो फिर बेसिक का 4% 36,500 × 4% हो गया कितना, 1,460 rupees. आई थिंक दिस इज ए गुड सैलरी. तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से BSc किया है, वो इस जॉब में आ सकते हैं. और भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. आज के लिए धन्यवाद.